नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरठ टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम पहुँचे हैं गांव गणेशपुर। यहाँ के जो ग्राम प्रधान अभी जो नए बने हैं आशु त्यागी जी, आज हम इन पर चर्चा करेंगे क्या क्या इनके गांव के विकास के लिए क्या क्या प्रमुख प्राथमिकताएँ होंगी, क्या कुछ नया जो कुछ काम जो पिछली योजना में जो कार्य रह चुका था, जो कमियाँ रह चुकी थी, उनको किस तरह से लेके चलेंगे। तो बात करते हैं आशु जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आशु त्यागी है। ये माइक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम आशु त्यागी है और शिक्षा के क्षेत्र में मैं एमकॉम एलएलबी हूँ। राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रवेश किया है, कोई पास्ट मेरा राजनीतिक नहीं रहा है, लेकिन सामाजिक जीवन में पिछले 10 वर्षों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते कार्य करता रहा हूँ और उसी विचारधारा को लेकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा कि क्षेत्र के साथ साथ अपने गाँव का भी विकास होना चाहिए, और इसी सोच के साथ गाँव में हमने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसके लिए पूरे गांव ने हमें और पहली बार में ही अच्छा समर्थन और अच्छा प्यार सहयोग पूरे गांव का मिला और 104 वोटों से हमारी जीत हुई। इस सब के बाद में आगे की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहली चीज़ तो गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी तरफ आज तक और अधिकतर ग्राम पंचायतों में प्रधान ध्यान ही नहीं देते, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, जिनमें कि गरीब परिवारों के लिए जो सरकार के द्वारा राशन की व्यवस्था की जाती है वो सुचारू रूप से और पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं उसमें बटने में समय की त्रुटि रहती है या क्वांटिटी की त्रुटि रहती है, जिसको जितना मिलना है जो जितने का पात्र है उसे उतना नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़, एक समस्या सबसे बड़ी सामने आती है कि मजदूर व्यक्ति राशन लेने जाता है और दो दिन तक लाइन में खड़ा रहता है, दो दिन की मजदूरी छोड़ने के बाद उसे राशन मिलता है, यानी कि वो राशन जो सरकारी राशन उसे मिलता है वो दुकान से भी महंगे दामों पे उसे पड़ जाता है, क्योंकि दो दिन की मजदूरी की 800 रुपए छूट जाती है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, बड़ा गांव होने के नाते 627 राशन कार्ड हमारे यहाँ हैं, राशन की एक दुकान है, हम सबसे पहले राशन की दो दुकानें करेंगे और जो भी राशन डीलर सही मात्रा में और सही तरीके से वितरण नहीं करेगा उसकी एजेंसी दूसरे व्यक्ति को दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही दूसरी हमारी प्राथमिकता है, जितने भी पेंशन सरकार की योजनाएं हैं पेंशन की, वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो पेंशनें चलती हैं, जो उनके पात्र हैं वो ग्राम प्रधान की अनदेखी से या जो एक ढुलमुल रवैया रहता है इसके कारण, भागदौड़ करने के कारण उनकी नहीं बन पाती, हम उनके घर घर जाकर और उन सबकी पेंशन को अगले 3 माह में सुचारू रूप से सबकी चालू कराएंगे। इसी तरह की जितनी भी सफाई व्यवस्थाएं हैं, सफाई का एक कर्मचारी पूरे गांव में है, बड़ा गांव है, सफाई व्यवस्था सही नहीं है और अन्य कुछ, आज तक भी मुख्य मार्ग पर गांव होने के बाद भी कच्चे रास्ते हैं, तो उन कच्चे रास्तों को पक्के कराने का काम, यानी कि विकास की यदि बात करें, ये तो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, इस प्रकार की सारी मूलभूत आवश्यकताएं गरीब व्यक्ति के उसकी घर पर पूरी हों, उसे भागदौड़ ना करनी पड़े, ये ग्राम प्रधान का दायित्व है और हम इस दायित्व का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें विकास की, तो आज भी गांव में कच्चे रास्ते हैं, सफाई की सही व्यवस्था नहीं है, नालों की व्यवस्था नहीं है, 3 तालाब हमारे गाँव में, 3 तालाब अटे पड़े हैं, पिछले 50 वर्षों से उनकी सफाई नहीं हुई, गहराए नहीं हुए, तो इस तरह से जो भी रास्ते कच्चे हैं, जो नालियां टूटी हुई हैं, उन सब का निर्माण कराकर और विकास की ओर हम अपने गांव को लेकर जाएंगे। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में दो प्राथमिक विद्यालय, एक कन्या जूनियर स्कूल और एक इंटर कॉलेज हमारे गांव में है। ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपकेंद्र हमारे गाँव में है, पशु चिकित्सालय हमारे गाँव में है, जितने भी सरकारी भवन हैं इन सबकी हालत जर्जर हुई पड़ी है और इनमें कर्मचारियों की भी सही व्यवस्था, पूर्ण नियुक्ति नहीं है, तो इस तरफ भी सारी नियुक्तियां पूर्ण कराकर और उनका सौंदर्यकरण कराकर अपने गांव को एक आदर्श गांव की ओर हम ले जाएंगे। इसके बाद हमारा जो एक और है, जैसे कि गांव ने एक युवा प्रधान, मेरी आयु 29 वर्ष है और युवा के नाते मुझे चुना है, तो हम गाँव को डिजिटलाइजेशन की ओर भी लेकर जाएंगे। जैसे गाँव के सभी द्वारों पर जो एंट्रियाँ हैं उन पर
वेलकम बोर्ड, वेलकम बोर्ड लगेंगे। उसके साथ ही सरकार योजना दे रही है डिजिटल सीसीटीवी कैमरों की। हाँ। तो गांव के जितने भी मुख्य चौराहे हैं उन सभी पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसका एक कंट्रोल रूम ग्राम पंचायत घर में, ग्राम पंचायत भवन में बनाया जाएगा। ऐसे ही अनाउंसमेंट की व्यवस्था पूरे गांव में लाउड स्पीकर लगाकर किसी भी तरह की सूचना पूरे गांव में हो। और एक पंचायत घर जो हमारा मेन रास्ते पर ही है उसमें एक बड़ी एलईडी की व्यवस्था, ताकि ग्राम पंचायत के सारे कार्य उस पर चलते रहें, सभी लोग उस पर देखते रहें। मुख्य मार्ग पर और स्टील के जो यात्री शेड बनते हैं लाइटिंग वाले, ऐसे दो, एक गांव की एंट्री में और एक चौपले पर, ऐसे यात्री शेड बनवाने का हमने प्रस्ताव रखा है। और उसके साथ ही मुख्य मार्ग पर दोनों साइड टाइल लगवा कर और हाई मास्क लाइट चौराहों पर, ये डिजिटलाइजेशन की ओर भी जो प्रदेश सरकार और माननीय केंद्र सरकार की भी योजनाएँ हैं। तो एक ऐसा आदर्श गांव और डिजिटल गांव हम अपनी ग्राम पंचायत गणेशपुर को बनाने का संकल्प हमने लिया है और हम इस संकल्प पर पूरे 5 वर्ष पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आशु जी, अभी क्या है, आप भी एक वजन दल इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से 10-12 सालों से जुड़े हुए हैं जी। तो जैसे गायों के ऊपर जो आजकल गौर नहीं दे रहा कोई जी, जी भाई, गाय दूध पीते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बारे में क्या करना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? अभी ये जितने भी आवारा पशु हैं ये ज़्यादातर वैसे छोड़े हुए भी किसानों के ही हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं जिनके पास कुछ जगह थोड़ी ज़मीन है उनकी फसल को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सरकार अपने पूरे सार्थक प्रयास कर रही है, जगह जगह गोआश्रय स्थल बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों की अनदेखी के कारण उस गोवंश को आवारा घूमना पड़ता है। तो हम अपने करने की नहीं, हम ये काम कर चुके हैं, हम विकासखंड अधिकारी के नाम अपने लेटर पेड पे मैं लेटर भेज चुका हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी आवारा पशु हैं उन सबको पकड़वा कर, और एक मालीपुर में गौशाला बनी हुई है हमारे यहाँ हस्तनापुर विकास क्षेत्र में, तो मालीपुर गौशाला के नाम हमने लेटर लिखा है और संभवतः 3-4 दिन में हम अपनी ग्राम पंचायत के सारे आवारा पशुओं को पकड़कर और वहाँ पर भिजवाने का कार्य संपन्न कर देंगे। और भविष्य के लिए भी जो गांव के हमारे लोग हैं वो अपने पशु को ऐसे ना छोड़ें, उसके लिए भी एक अभियान लोगों के घर घर जाकर हम लोग चलाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो आशु जी के खास करीबी हैं जी, इनके मित्र हैं, गांव गणेशपुर में युवा वर्ग, मोस्टली युवा वर्ग इनके साथ ज़्यादा कोऑपरेशन में रहा। तो दो बात इनके बारे में बताएं, कुछ सुझाव हो आपके सर, आप बताइए कुछ। हाँ जी, प्लीज माइक ले लीजिए आप, कोई दिक्कत। प्रधान जी के बारे में? हाँ, प्रधान जी के बारे में बताइए, कुछ सलाह दें अपने, विचार रखें अपने। हमारी तो जो है इनसे यही कामना है और आशा करते हैं कि जिस हिसाब से हमने इन्हें चुना है, गांव ने चुना है, नौजवानों ने चुना है, उसी के आधार पर ये नवयुवकों के लिए भी अच्छा काम करें और आने वाले समय में जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की हमारी जो है इनसे इच्छा रखते हैं और इसी वजह से हमने इनको चुना। जब ये काम ठीक ठाक कर रहे हैं और ऐसे करते रहे तो चल रहा है। प्रधान जी जो है थोड़ा आगे लगा माइक लीजिए। प्रधान जी काम ठीक कर रहे हैं, हम लोग तो इनसे वही है, फिर चुना था काम सही जगह ठीक है जी। हाँ जी प्रधान जी, आपके एक छोटा सा सवाल है जी, जो जो वादे आपने किए हैं जी, शायद यही वाले वादे पिछले साल किसी और ने भी किए होंगे जी, योजना में, पिछली योजना में जो आपसे पहले प्रधान होगा, तो आप भी कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? देखिए अपने वादे किए हैं बट मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने वादे किए हैं, हमने कहा है हमने संकल्प लिया है गाँव को बदलने का। गाँव मेरा है, मैं इस गाँव का हूँ, मैंने किसी अन्य के लिए कोई संकल्प नहीं लिया, मैंने अपने स्वयं के लिए संकल्प लिया है, अपने गांव के लिए संकल्प लिया है और मैं इस संकल्प को निश्चित ही पूर्ण करूंगा। और आप लोग भी यहीं हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 6 माह में हर साल देख सकते हैं। अभी हमने शुरुआत कर दी है हमारी पहली ही बोर्ड मीटिंग में और हमने 52 लाख के कार्य पास करा दिए हैं, जिनमें गाँव में लाइब्रेरी का निर्माण है, गांव में खेल के मैदान का निर्माण है, नालों का निर्माण है, जितने भी कच्चे रास्ते थे, लगभग 5-6 कच्चे रास्ते थे, उनके निर्माण का काम है, सारे प्राथमिक विद्यालय और इनके सौंदर्यकरण का काम है, सरकारी अस्पतालों के सौंदर्यकरण का काम है और जो भी पुरानी टूट फूट है उसकी मरम्मत का काम है। ये ऐसे 52 लाख के कार्य हमने अपनी पहली ही बोर्ड मीटिंग में पास करा दिए हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरा टीवी।